सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हॉक शो अगेन। और आज एक बार मैं फिर से आऊँ वाटर वर्ल्ड एक्वेरियम फिश शॉप पे। और आज यहाँ देखेंगे आज कौन कौन सा स्टॉक आ रखा है। और जो लोग भी यार आईपीएल में बिजी हो प्लीज़ मेरा भी वीडियो देख लिया करो, क्योंकि आईपीएल की वजह से व्यूज काफ़ी कम हो रहे हैं चैनल पे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं तो प्लीज़ आईपीएल से समय निकाल के फिर मेरे वीडियोज़ को भी देख लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। चलो अब बिना देर किए भैया से बात करते हैं और पूछते हैं कि आज उनके पास कौन कौन सा स्टॉक आ रखा है और उसके क्या क्या प्राइस होने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी शॉप में जिसका नाम है वाटर वर्ल्ड फिश एक्वेरियम। लोकेटेड है ओल्ड दिल्ली नियर बाई चावड़ी बाज़ार, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाज़ार या हौसगाजी आप कह सकते हैं। और जैसा कि आप हमारी शॉप से इंट्रोड्यूस हैं पहले से ही, और हमारे स्टॉक के बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज रहती है, रेगुलर आप हमारी वीडियोज़ अपडेट करते हैं, हम भी अपडेट करते रहते हैं और आप वॉच करते रहते हैं, तो अपडेट रहते हैं आप भी हमारी वीडियो और स्टॉक से। तो आज अगेन हमारे पास दोबारा से न्यू स्टॉक फिशेस का आया हुआ है, तो ज़्यादा लेंदी वीडियो को ना करते हुए आपको डायरेक्ट स्टॉक से रूबरू कराया जाएगा और आपको हर एक फिशेस की वैरायटीज़ दिखाई जाएगी जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है और ऑफर प्राइस में आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छी रेंज के अंदर और बहुत अच्छे साइज़ के अंदर। और क्वालिटी तो मिसमैच रहती है हमेशा, एक्सेलेंट क्वालिटीज़ हमारे पास आपको मिलती है, तो वही क्वालिटीज़ आपको आगे फिर से दोबारा प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए। चलो भाई, सो यहाँ काफ़ी हद तक आई थिंक कहूँगा 90% लोगों की पसंद जो फिशेस की रहती है, डेनी सोनी बार्ब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बिग साइज़ के अंदर डेनी सोनी बार्ब्स अवेलेबल हैं और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, हेल्थ आप देख सकते हैं कितनी फास्टली मूव कर रही हैं, कोई सेटल डाउन नहीं है, कोई स्ट्रेस में नहीं है, तो बहुत अच्छा स्टॉक हमारे पास एवरी टाइम रहता है, ऐसा ही स्टॉक ये भी रहने वाला है। और प्राइस की अगर इनकी बात करें तो ओनली 280 पेयर के अंदर आपको डेनी सोनीज हमारे पास मिलने वाली हैं बिग साइज़ के अंदर। और वहीं इन्हीं के साथ यहाँ हमारे पास क्लाउन लोचिस भी अवेलेबल हैं। क्लाउन लोचिस की अगर साइज़ की बात करें तो तकरीबन 2 से 2.5 इंच का साइज़ इनका रहने वाला है। और प्राइस की इनकी बात करें तो 520 या पेयर के अंदर आपको क्लाउन लोचिस भी हमारे पास मिलने वाली है। सो यहाँ हमारे पास गोल्ड का स्टॉक भी दोबारा से अपडेट हुआ है, काफ़ी बड़े साइज़ की, ह्यूग साइज़ की, मॉस्टर साइज़ की आप गोल्डन देखिए। मैं हाथ रख के थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि कितना बड़ा साइज़ रहने वाला है, आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा साइज़ ये रहने वाला है। तो इस साइज़ की गोल्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये फैंसी गोल्ड्स के अंदर रेड एंड वाइट्स हुई इसके अंदर, और लेमन हेड्स हुई और प्योर जेट ब्लैक हुई और ट्राई कलर्स हुई, ये सारी हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। और अगर इनकी प्राइस की बात करें तो 675 ईच के अंदर आपको ये बिग साइज़ की गोल्ड्स हमारे पास मिलने वाली है। और वहीं इसी के साथ इसके अंदर कुछ रियोकिन गोल्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, 3 इंच प्लस के साइज़ के अंदर रियोकिन हमारे पास हैं और प्राइस रहने वाले हैं सिर्फ 300 रुपीज़ ईच। सो यहाँ पे हमारे पास गाइस गार्डनरी किलीस भी अवेलेबल हैं। गार्डनरी किलीस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिशेज है, अगर आपको इसे एक बार गूगल R&D करेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि कितनी ये ब्यूटीफुल फिश रहने वाली है और क्या इसके कलरेशंस रहने वाले हैं। आप एक बार गूगल R&D ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटी फिशेस की वैरायटीज़ हैं तो कैप्चर्ड नहीं हो पाता वीडियोस के अंदर इनके कलरेशन, पैटर्न, डिज़ाइन, सारी चीज़ें, तो उसके लिए एक बार आप गूगल R&D ज़रूर कर लिया करें सारी फिशेस में, जो ख़ास तौर से नैनो वैरायटीज़ के लिए, ताकि आपको उनकी पैटर्न्स, डिज़ाइन और उसकी क्वालिटी पता चल सके। तो ये हमारे पास अवेलेबल है ओनली 240 अ पेयर। सो गाइस फेदर गोस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। फेदर गोस्ट आप जैसे जानते हैं थोड़ा हाइडिंग फिशेज है, हाइट करके रहती है ज़्यादातर। सो अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 2 से 2.5 इंच का साइज़ इनका, ढाई से 3 इंच के करीब इनका साइज़ रहने वाला है। और वहीं अगर प्राइस की बात करें तो ओनली 260 या पेयर के अंदर आपको ये हमारे पास मिलने वाली है। गाइस रेड विपटेल कैटफिश भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, काफ़ी डिमांडेड फिशेज रहती है और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिशेज है, कॉमन फिशेज नहीं है, इजीली नहीं मिलती, इनफैक्ट किसी हॉबीज़ के टैंक में भी इजीली नहीं मिलती आपको ये, क्योंकि कॉस्टली थोड़ी वैरायटीज़ है तो कम ही लोग इसे रखते हैं, प्रीफर करते हैं, बट ब्यूटीफुल बहुत फिशेज है, जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर कि इसकी ब्यूटी कैसे आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इसका जो बॉडी पैटर्न शेप्स हैं वो भी अट्रैक्ट करता है अपनी साइड्स। तो ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल है ये, और साइज़ की अगर इसकी बात करें तो 3 इंच के करीब इनका साइज़ रहने वाला है, और प्राइस की बात करें तो ओनली 980 पेयर के अंदर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ बिग साइज़ के अंदर हिल स्ट्रीम लोच भी हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर इनके भी साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्स 3 इंच का प्लस का इनका साइज़ रहने वाला है,
और वहीं अगर इनके प्राइस की बात करें तो सिर्फ 540 यानी 540 रुपये पेयर में आपको मिलेंगी। तो यहाँ गाइस टेट्राज लवर्स के लिए जो ग्रुपिंग फिशेज रहती हैं वो सब भी हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, मोस्टली एवरी टाइम रहती हैं जब जब सीज़न रहता है इनका। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ रमिनोस अभी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे साइज़ के अंदर और हेल्थ के अंदर अवेलेबल हैं, और प्राइस भी इनके बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिल्कुल रिजनेबल प्राइस रहने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया गया था फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियोज़ के अंदर ही और पिछली जो वीडियो देखे। अभी इस फुल मंथ हमारे पास ऑफर चल रहा है प्राइस के अंदर, तो काफ़ी फिशेस के प्राइजेस हमारे पास डिक्रीज रहने वाले हैं इस मंथ में रमजान के पूरे महीने का। तो यहाँ रमिनोज भी हमारे पास अभी ऑफर में चल रही है, सिर्फ 100 रुपीज़ पेयर में आपको रमिनोज मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे ये देखिएगा कौन सी फिशेज़ है, तो थोड़ा इसे देख के हमें बताइएगा ये कौन सी फिशेज़ है। इसके लिए आपको मैं 15 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी फिशेज़ है, इसका नाम क्या है और कौन सी ये फिश रहने वाली है और किन फिशेस के साथ ये चलने वाली है। सो टाइम इज ओवर नाउ, तो मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ, इसका नाम है हाफ बीक। तो टेट्रास की वैरायटी है, टेट्रा फिशेस के साथ ये रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिशेज़ है ये भी। अगर आप इसे कंपेयर करें, अगर विजिबिलिटी आपको आ रही है वीडियोस के अंदर अच्छी, तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये एलिगेटर गार है या एरोवाना के कोई छोटे बेबीज़ हैं या उनसे मिलती जुलती कोई वैरायटी जैसी होती है उस टाइप की कोई फिशेज़ है। नहीं, ये वो कोई भी नहीं है, उनमें से कुछ भी नहीं है, हाफ बीक इसे बोलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों का अपनी तरफ, क्योंकि इसके जो बॉडी शेप पैटर्न से वो थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा नहीं मैं कहूँगा, हद तक बहुत ज़्यादा मैच खाता है एलिगेटर गार से आपके अरवाना से। तो उस वजह से थोड़ा अट्रैक्शंस का जो है अपने तरफ खींचती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है इसी वजह से कि ये कोई उस फिश के बेबीज़ तो नहीं है, अरवाना के बेबीज़ हैं, एलिगेटर के बेबीज़ हैं। लेकिन नहीं, जब थोड़ा डीपली जाते हैं और सर्च करते हैं इसके बारे में तो पता चलता है कि हाफ बीक है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है अभी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ पेयर में। सो यहाँ हमारे पास नियॉन का स्टॉक फिर से अपडेटेड है, अगेन न्यू स्टॉक आया है नियॉन का हमारे पास। तो नियॉन टेट्रास भी हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ पेयर में। तो गाइस यहाँ पी पफर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। पी पफर्स आप सब लोग अवेयर होंगे, बाकी जो अवेयर नहीं है मैं बता दूँ, पफर्स की वैरायटी है, बट ये नॉर्मल पफर नहीं है, जो आपके नॉर्मल ग्रीन पफर या और दूसरे पफर्स आप अपने एक्वेरियम में पालते हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, बड़ी फिशेस के साथ रख सकते हैं। ये पी पफर छोटे साइज़ के होते हैं और छोटे ही साइज़ इनका रहता है। प्लांटेड एक्वेरियम्स में लोग इन्हें डालते हैं, प्लांटेड में आप इन्हें पाल सकते हैं, बट जब तक ये छोटे साइज़ हैं चल जाएंगे, बट थोड़े जब बड़े हो जाते हैं थोड़ी छोटी नैनो वैरायटी ऑफ फिशेज़ जो होती हैं उन पर थोड़ा सा अटैक करते हैं। तो थोड़ा उसका एक बार आप चेक करके डालिएगा कि आपके पास कोई ऐसी फिशेज़ तो नहीं है जिन पर ये अटैक करें या उन्हें नुकसान पहुँचाएँ। तो ये हमारे पास अवेलेबल हैं अभी सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ पेयर में। सो यहाँ गाइज हमारे पास फेदर फिन सैनिडोंटिस फिशेज़ भी अवेलेबल हैं, और इसकी ब्यूटी अगर आपने देखनी है तो गाइज अभी छोटे साइज़ है हमारे पास ये, इसकी ब्यूटी आपने देखनी है तो एक बार गूगल R&D ज़रूर कीजिएगा। गूगल R&D करने पर आपको पता चलेगा कि कितनी ब्यूटीफुल ये होने वाली है, और जब इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप अपने टैंक्स में इसे डाल सकते हैं छोटी फिशेस के साथ, जैसे भी आप देख पा रहे होंगे टेट्रा वैरायटी के साथ रह रही है, तो टेट्रास के साथ ये चलती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सेमी हार्ड फिशेस जो होती हैं आपकी उनके साथ भी ये चल जाती है, बट हार्ड की वैरायटी ऐसी ना हो जो अटैकर हो ज़्यादा या एग्रेसिव हो या फिर बड़े साइज़ की हो जो इन्हें कंज्यूम कर जाए, उनके साथ थोड़ा इन्हें अवॉइड कीजिएगा। तो अभी जो इनका प्राइस हमारे पास रहने वाला है ओनली 250 या पेयर के अंदर आपको ये मिलने वाली है। सो गाइस यहाँ कॉन्गो टेट्रा हमारे पास फिर से रिलोडेड हैं, और कॉन्गो टेट्रास का स्टॉक हमारे पास बहुत अच्छे से सोल्ड हो रहा है और बहुत अच्छी कंडीशंस में असल में हमारे पास आ रहा है, तो उसी कंडीशंस के हिसाब से सोल्ड हो रहा है। और इसकी भी ब्यूटी अगर आपने देखनी है फुल्ली तो आप इसे गूगल R&D कीजिएगा, आपको उसके फुल कलरेशंस, बॉडी पैटर्न्स, इसके जो स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ विजिबल हो जाएंगी, जो कि अभी हमारे टैंक में विजिबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमारे टैंक में दिन में
कई कई टाइम हंड्रेड ऑफ टाइम्स बार नेटिंग होती रहती है, फिशेज आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो इस वजह स्ट्रेस होने की वजह से फिशेज अपने पूरे मैच्योर कलर जो है शो नहीं कर पाती है। तो उसके लिए ही आपको थोड़ा कहा जाता है कि आप गूगल R&D करें ताकि आपको उनके कलरेशन का पता चल पाए कि किस टाइप से वो फिश रहने वाली है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है अभी सिर्फ और सिर्फ 360 अपेयर के अंदर। तो यहाँ लेपर्ड ग्रामीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेपर्ड ग्रामी थोड़ी अनकॉमन है, इजीली आपको नहीं मिलती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बिल्कुल नॉर्मल सारी ग्रामियों से बिल्कुल डिफरेंट इसके पैटर्न्स रहते हैं और थोड़ा बॉडी शेप भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है नॉर्मल ग्रामीज के मुकाबले। और प्लांटेड में आपकी ये चल जाती हैं, प्लांटेड में आपके चलेंगी प्लांटेड फिशेज के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ा साइज इनका नहीं होता आपके प्लांटेड टैंक में, बट नेचर बाई नेचर इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है नेचर के अंदर, बट प्लांट आपके एक्वेरियम्स के अंदर साइज़ जो है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाता। एवरी फिशेज़ के साथ ये कंडीशन से अप्लाई होती है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं ओनली 360 अपेयर। यहाँ पे हमारे पास अभी स्टॉक क्लियरिंग सेल लगी हुई है बैटास की, तो इसमें से आप कोई भी बैटास ले सकते हैं हमसे ओनली एंड ओनली 150 या सिंगल पीस 150 रुपये सिंगल पीस में आपको कोई भी बैटा ले जाइए। अगर इसमें वैरायटी की बात करूँ तो मैं आपको एक नॉर्मली वैरायटीज़ गिनवा दूँ। क्राउन टेल्स इसमें हमारे पास, डबल टेल है इसके अंदर हमारे पास, डम्बो ईयर है हमारे पास, प्लेकेट भी है इसमें हमारे पास। तो ये सारी वैरायटी आपको सिर्फ 150 या सिंगल पीस में मिलने वाली है। सिर्फ क्लियरेंस सेल चल रही है, इस स्टॉक को हमें क्लियर करना है, तो अभी ऑफर्स का फ़ायदा जल्दी जल्दी उठाइए और अपने मन चाहे पीसेस को अपने रिजनेबल रेट्स के अंदर अपने पास लेके जाइए। सो यहाँ टेट्रास के अंदर हमारे पास हार्ली क्वीन रस बोरास भी अवेलेबल हैं। सो हार्ली क्वीन रस बोरास आप सब लोग जानते हैं ग्रुपिंग फिशेस हैं, ग्रुप में बहुत अच्छे से मूव करती हैं और ख़ास तौर से जब इनके ग्रुप में चलते हैं इनके कलर और बॉडी का जो उनका डिज़ाइन पैटर्न रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है जब ये अपने ग्रुपिंग के अंदर मूव करती हैं। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं ओनली 100 रुपीज़ अ पेयर में। सो यहाँ हमारे पास गाइस पांडा कोरिडोरास भी अवेलेबल हैं। सो पांडा कोरिडोरास की प्राइस की बात करें तो ओनली 160 अ पेयर के अंदर आपको मिलने वाली है आपको पांडा कोरिडोरास। सो गाइस टैंक की मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास होती हैं अलग अलग साइज़ के अंदर। आप सब लोग जानते हैं कि टैंक्स भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं छोटे से लेके बड़े साइज़ के अंदर, हर एक साइज़ की हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रहती है टैंक की। तो बाकी टैंक की क्वालिटीज़ को आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है वीडियो के अंदर कि किस क्वालिटीज़ में हमारे पास टैंक्स बनते हैं, चाहे आप छोटा साइज़ बनवाएं बड़ा साइज़ बनवाएं। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा भाई से कि थोड़ा फोकस करें यहाँ पर आके थोड़ी इसकी क्वालिटी के ऊपर, टैंक के ऊपर कि किस टाइप की फिनिशिंग हमारे पास रहने वाली है और क्या क्वालिटी रहने वाली है अगर वीडियोज़ में विजिबल हो पा रहा है। ये सिर्फ 6 mm ग्लास के अंदर आपका ये बना हुआ है पूरी फुल्ली ग्राइंडिंग पॉलिश के साथ। आप कितना भी इस पे हाथ रगड़ लीजिए, ज़ोर से दबा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई आपका हाथ में कोई कट्स कोई निशान कुछ नहीं आने वाला। पे दिखा रहा हूँ गाइस देखो बिल्कुल भी कट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि पूरा फिनिशिंग इसका जो है वो काफ़ी अच्छे से हो रखा है, तो आप देख सकते हो। ये 2.5 फीट का साइज़ है नीचे हमारे पास। ये दोनों अभी रेडी स्टॉक में हमारे पास, किसी भी भाई को चाहिए होगा जो वुडन कैप के साथ आपको ये मिलने वाले हैं। और इनके प्राइसिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा डायरेक्ट मेरे नंबर पे, हर एक टैंक के जो भी आपके साइजिंग रहने वाले हैं उन सब की कोटेशंस आपको दे दी जाएंगी। और जो भी क्वालिटी में आप टैंक बनवाना चाहें, नॉर्मल क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जीरो सिलिकॉन, इनफैक्ट वो सब हमारे पास अवेलेबल होंगे, बट प्राइजेस सबके चेंजेस रहेंगे, वो अकॉर्डिंग रहेगा आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करके और आपकी ग्लास की जो थिकनेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइजेस में चेंजेस रहेगा। तो उसके अलावा हमारे पास ड्राई का सेक्शन भी काफ़ी सारा रहता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ड्रिप वुड्स है हमारे पास। जैसे कुछ पीसेज मैं दिखाना चाहूँगा वुड्स के आपको, जैसे ये रैंडमली कोई पीसेज उठा रहा हूँ मैं, देखिए ये पीस, ये ड्रिप वुड है हमारे पास। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ओनली 450 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिलने वाला है 450 रुपये में। साइज़ आप देख सकते हैं गाइज, अगर मैं हाथ के थ्रू यूँ आपको मेजर करके दिखाऊँ तो इतना बड़ा साइज़ ये रहने वाला है। और शेप्स देख लीजिए, डिज़ाइन देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल हैं। और भैया जो लोग ड्रिप वुड के बारे में नहीं जानते उनको आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए ड्रिप वुड लगाने का आपका बहुत बेनिफिट रहता है कोई भी टैंक को, ऐसा नहीं है कि आप प्लांटेड टैंक में ही सिर्फ इसको लगा सकते हैं, ये एवरी टैंक में लग सकता है आपकी वुड। और इसका बेनिफिट रहता है ये आपके पानी के जो pH लेवल्स वगैरह हैं या आपकी पानी की और भी हार्डनेस वगैरह हैं उन्हें कंट्रोल में रखता है और उन्हें डिक्रीज करता रहता है और फिशेस को भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है ताकि वो स्ट्रेस फ्री रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लाइफ जो है इंक्रीज़ हो पाए। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़
अवॉइड कीजिए जितने भी आर्टिफिशियल्स आइटम्स हैं अपने एक्वेरियम्स के अंदर। आर्टिफिशियल्स आइटम आपको देखने में ब्यूटीफुल तो ज़रूर लगती हैं, बट उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, पेंट्स वगैरह का और फाइबर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है जो कि हार्मफुल है आपकी फ़िशेस के लिए। बट फिशेस तो उनके पास तो थिंक मतलब बोलने की सेंस होती नहीं है कि बोल के आपको बता पाएँ कि भैया मुझे इससे दिक्कत हो रही है, मुझे इससे परेशानी हो रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अगर आप हॉबिस्ट हैं और फिशेस को रखते हैं और लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं और रख रहे हैं लॉन्ग टर्म से, तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप उन्हें प्लीज़ अवॉइड करें जितना हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेचुरल की तरफ जाएं और नेचुरल की चीज़ें वो ही यूज़ करें। जैसे कि वुड है, ये नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल वुड है ये और पानी में डिप होती है ये, जबकि कोई नॉर्मल और दूसरी वुड जो होती है वो पानी में डिप नहीं होती। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रॉक्स भी हैं, ये सारे नेचुरल रॉक्स हैं, कोई आर्टिफिशियल रॉक्स नहीं है। आर्टिफिशियल से अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे, हाँ साइज़ शेप्स और डिज़ाइन में फ़र्क ज़रूर आने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल एक सिंपल डाई होती है उससे बनाया जाता है जिसके शेप सबके एक जैसे होते हैं, फिर उस पर अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमरों को पेंट ऐसा किया जाता है थोड़ा चमकीला चटकीला के लोग उसको अट्रैक्ट हों और उन्हें लें। बट ये नेचुरल है, इनमें कोई साइज़ भी डिफरेंस आएगा हमेशा। अगर मैं रैंडमली कोई दो पीस उठाता हूँ, जैसे ये देख सकते हैं आप, दोनों के साइज़ डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट है, कोई पीस एक से दूसरे से एक जैसा नहीं होगा। अगर आपको ये पीस चाहिए आप बोलो मुझे दूसरा पीस भी सेम दे दो, तो सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाई नेचर है ये, कोई ह्यूमन मेड नहीं है कि इसके डाई से किसी को बनाया गया है तो सेम निकलेंगे, तो ऐसे सेम नहीं निकल सकते। ये पहचान है आपकी ओरिजिनल चीज़ों की, तो जितना हो सके प्लीज़ जो है ओरिजिनल को ही यूज़ करें अपने टैंक में, ताकि आपकी फिशेस की लाइफ बनी रहे और आपकी जो हॉबी है वो भी आगे कंटिन्यू हो सके। तो उसके अलावा कुछ फ़िल्टर्स वगैरह की भी हमारे पास रहती हैं अलग अलग रेंज, जैसे कि आपका कैनिस्टर फिल्टर्स हुआ, अंडरग्रेवल फिल्टर्स हुए, अंडर वाटर फिल्टर्स हुए, स्पॉन्ज फिल्टर, मीडिया फिल्टर्स, हैंग ऑन बैक फिल्टर्स हुए, और भी बहुत सारी रेंजेस हमारे पास लगी हुई हैं पूरी दुकान के अंदर अलग अलग जगह। न्यू चीज़ें भी हमारे पास आती रहती हैं, जैसे कि अगर आपके एरियाज़ के अंदर कुछ लाइट्स वगैरह की दिक्कत रहती है आपको, तो AC/DC पंप्स हमारे पास रहते हैं, लाइट चली गई अगर आपकी या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ हो गया तो आप ये पंप्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें बैकअप रहता है आपका, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इसका बैकअप रहता है, जैसे 7-8 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए, बाकी उससे ज़्यादा ही चल जाता है। ये चार्ज होता है, चार्जिंग केबल इसके अंदर आपको मिलती है उससे चार्ज होता है, और ये साइलेंटली आपका वर्क करता है, डबल नोजल पंप है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे कि अभी सीजन्स आ रहा है हमारे पास, समर सीज़न, तो आपके प्लांटेड एक्वेरियम में, नॉर्मल एक्वेरियम्स में रिक्वायरमेंट रहती है, हीट हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो ये कूलिंग फैंस हैं तो उनको कूल करते हैं। और ये हमारे पास कोई ऐसा फ़ैन नहीं है इसके लिए आपको कहीं से अलग से अडाप्टर लेना पड़ेगा या एक अलग से कोई लीड लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप इसे AC वोल्टेज में, यानी जो आपका नॉर्मल घर का सॉकेट है उसमें लगाइए और रन कर दीजिए, कोई अलग से सॉकेट कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लगाइए रन कर दीजिए और आपके पानी का जो टेम्परेचर है बहुत हद तक आपको ये कूल दे देगा, जो कि आपकी फिशेस के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सो ये सारा स्टॉक्स हमारे पास रहता है एवरी टाइम, और भी बहुत सारी आइटम्स हैं, वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ हो जाएगी। तो आपको और भी डिटेलिंग्स अगर चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल पे भी आप आगे पूछ सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज रेंज हमारे पास रहती हैं अलग अलग आइटम्स की, फिल्टर्स हो गए, फूड्स हो गए, मेडिसिंस हो गई, और भी बहुत सारी डेकोरेशन आइटम्स रहती हैं, बट ओरिजिनल्स आइटम्स रहती हैं। आर्टिफिशियल के लिए प्लीज़ बिल्कुल अप्रोच मत कीजिएगा, आर्टिफिशियल आइटम मैं रखता ही नहीं हूँ और वो आपको प्रोवाइड भी नहीं करा पाऊँगा मैं। सो गाइस, यह था हमारा आज का स्टॉक, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ। तो आगे के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही नेक्स्ट और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।